भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने 10 जून तक चलने वाले अभियान का सिविल लाइन्स प्रथम के मलिन बस्ती में मास्क और सैनिटाइजर वितरण करके शुभारंभ किया। इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को प्रदेश के प्रत्येक जनपद के सभी मंडलों में पार्टी द्वारा निर्धारित सेक्टरों में 4 जून से 10 जून तक मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और कोरोना से संक्रमण को रोकने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान नगर निगम के उपसभापति अजय राय, युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हिमांशु श्रीवास्तव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने कहा, माफी कर दीजिए लेने के लिए मोबाइल ना मोबाइल कुछ चाहिए ना लगा लगे ठीक है। रणजीत राय क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र। सर ये किस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अपने अपने सेक्टर में निवास करने वाले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा उस सेक्टर के मलिन बस्तियों में जाके घर घर उन लोगों से मिलकर कोरोना से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों के पास जो भी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो भी हम लोगों को बतलाया जा रहा है, उन मलिन बस्तियों में हम लोग कोरोना से के प्रति लोगों को सुरक्षित होने के लिए हम लोग जानकारियाँ दे रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग मुफ्त में मास्क और सैनिटाइजर भी वितरण करने का काम कर रहे हैं। आज गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष पवन यादव जी के नेतृत्व में सिविल लाइन प्रथम में स्थानीय पार्षद और नगर निगम के उपसभापति आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग सिविल लाइन प्रथम के इस मलिन बस्ती में हम लोग घर घर जाके लोगों को मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर देने का काम कर रहे हैं और लोगों को कोरोना से कैसे आगे सुरक्षित रहना है, इसकी हम लोगों के पास जो जानकारी है उसको हम लोग बताने का काम कर रहे हैं।